हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पटियाला सलवार की फुल कटिंग और स्टिचिंग करेंगे एक ही वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से इसमें कम कपड़े में फुल पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग हमने बताई है। तो देखिए, ये हमारा प्रिंटेड कपड़ा है, ये है 2 मीटर, और इसको हम पहले उल्टा करके अच्छे से बिछाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारा सीधी वाली साइड है, तो हम इसको पहले उल्टा कर लेते हैं। और बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है सलवार की कटिंग करने का। तो देखिए, कपड़े को हमने उल्टा करके बिछाया है। ये अभी हमारा डबल फोल्ड है, अभी इसको हम 4 तह में इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इसमें से हम पार्ट्स निकालेंगे, दोनों पैरों के पार्ट्स इस तरीके से निकालेंगे। 4 तह में हमने कपड़े को रख लिया है अच्छे से फोल्ड करके, और ऊपर एक निशान लगा लेंगे कपड़े को सीधा करने के लिए, और इस कपड़े को कट कर लेंगे। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। तो देखिए, एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकाल दिया है, ऊपर से कपड़ा हमने सीधा कर लिया है, और 6.5 इंच हम ऊपर बेल्ट की तरफ निकाल कर रखेंगे। अब देखिए, तैयार हमारी ये सलवार 36 इंच है, तो 36 तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। तो देखिए, 37 इंच पर निशान लगा लिया है हमने, और इस निशान को सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अब देखिए, यहाँ से हम पूरी लंबाई नाप लेंगे, तो ये यहाँ पर हमारा 30.5 इंच आ रहा है दोनों तरफ। देखिए, थोड़ा सा ये हल्का सा टेढ़ा सा हो रहा है, तो इससे सीधा निशान लगा लेंगे और इसको कट कर लेंगे। तो इसे हम दोनों पार्ट हमारे कट हो जाएंगे। देखिए, ये हमारे दोनों पार्ट्स कट हो गए हैं। अब इसमें से हम अपनी कली कट करेंगे। और दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है सलवार की कटिंग करने का, कम कपड़े में फुल पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग। देखिए, आगे से हम पहले कपड़े को अच्छे से सीधा करेंगे, और कपड़ा बिल्कुल सीधा होना चाहिए, बिल्कुल भी टेढ़ा या इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर हम आसन का निशान लगाएंगे, यानी मियानी का, तो 10 इंच पर। तो देखिए, आसन का निशान हमने 10 इंच पर लगा लिया है। अब इस निशान को हम ऐसे मिलाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर मोहरी का निशान लगा लेते हैं। तैयार मोहरी इसकी 12 इंच है, तो 12 का आधा यहाँ पर 6 इंच आएगा, और 2 इंच का हम यहाँ पर मार्जिन रख लेंगे। और जो मार्जिन वाला निशान लगाया था, वहाँ से हम स्केल को ऐसे रखेंगे और निशान इस तरीके से लगाएंगे, आसन के निशान से ऐसे मिला लेंगे। इस तरीके से, तो देखिए, यहाँ पर हमने निशान लगा लिए हैं। अब इसको हम ऐसे बिल्कुल कट कर लेंगे सीधा ही। तो हमारी अभी ये 2 कली कट हुई हैं, 2 कली हम इसमें से और कट करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमारी 2 कली कट के तैयार हो गई हैं। पार्ट को अब हम अलग रख देंगे। और इस तरीके से हम 2 कली और कट कर लेंगे, ऐसे रखकर बिल्कुल बराबर। और दोस्तों, प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको अच्छी लगती हो तो। और कमेंट करें करो दोस्तों, प्लीज़ मुझे बताया करो कि आपको समझ में आया कि नहीं। देखिए, बिल्कुल बराबर हम इसमें से 2 कली और कट कर लेंगे, सेम टू सेम। तो देखिए, ये हमारी 4 कली कट हो गई हैं, और पार्ट्स भी कट हो गए हैं। अब इस कपड़े में से हम बेल्ट निकाल लेंगे। और दोस्तों, 2 मीटर में आपको फुल पटियाला सलवार मिल जाएगी, और अलग से आपको बेल्ट भी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस तरीके से आप कटिंग करोगे तो। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने कपड़े को फोल्ड कर लिया है डबल में। अब बेल्ट आप अपने हिप के हिसाब से रख सकते हो, आपका जो भी हिप साइज है उसमें आप 10 इंच बढ़ा सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर 9 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ यहाँ। तो देखिए, बेल्ट की लंबाई हम 9 इंच पर रख रहे हैं, 6.5 इंच तैयार है, तो 2.5 इंच एक्स्ट्रा रख रहे हैं हम। तो 9 इंच पर निशान लगा कर इस तरीके से सीधा कर लेंगे निशान को बेल्ट कट करने के लिए। अब इसकी लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हो।
देखिए जितनी हमारी हिप साइज है उसमें हमने एक्स्ट्रा रख कर कट कर लेंगे। बेल्ट हमेशा बढ़ाकर ही कट करनी होगी दोस्तों। तो देखिए बेल्ट हमारी कट हो गई है। तो देखिए ये हमारी परफेक्ट बेल्ट कट हो गई है। अब यहाँ पर हम मोहरी के लिए भी अलग से जो हम लगाने वाले हैं पट्टी उसको भी कट कर लेंगे। तो देखिए सलवार की कटिंग परफेक्ट हो गई है। तो ये देखिए ये हमारा 4 इंच है, तो 3 इंच हम इसमें लगाएंगे पोंचे। तो देखिए सलवार की कटिंग कंप्लीट हो गई है दोस्तों। अब इसकी बहुत ही ज़्यादा सिंपल और सरल तरीके से हम स्टिचिंग करने वाले हैं। और दोस्तों प्लीज़ अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट करना मुझे। तो देखिए अब हम इसकी बहुत ही सिंपल तरीके से स्टिचिंग करेंगे। तो इसमें से हम पहले एक पार्ट ले लेते हैं। तो देखिए सीधे से सीधा ही कपड़ा रखना है और कली को जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा बिल्कुल सीधा आ गया है। दूसरी साइड की भी कली जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए दोनों साइड की भी कली हमारी जॉइंट हो गई हैं परफेक्ट तरीके से। तो ये देखिए अब हम नीचे की साइड पर हम पट्टी लगाएंगे अलग से मोहरी लगाने के लिए। आप इसी में भी एक्स्ट्रा कपड़ा रख सकते हो और इसमें मैंने अलग से लगाई हैं, अलग से भी लगती हैं तो वो भी बहुत परफेक्ट लग जाती हैं। तो देखिए सिलाई से हम इसको जॉइंट कर लेंगे और एक सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे पट्टी के जो हमने अलग से लगाई है। अब इसके बीच में हम इसमें पेपर फॉर्म रखेंगे। यहाँ पर ये फॉर्म है, आप इसमें बुकरम भी लगा सकते हो। इसमें मैं आजकल ये फॉर्म ही ज़्यादा लग रही हैं पोंचे में, इससे जो पोंचे होते हैं वो बिल्कुल खड़े रहते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। अब इसको हम अच्छे से ऐसे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए सिलाई हमने लगा ली है। अब इसमें हम बहुत सारी सिलाइयाँ लगा लेंगे, आप इसमें डिज़ाइन भी बना सकते हो। तो देखिए सिलाई हमने लगा ली है। अब ये हमारी बेल्ट है तो एक साइड की तरफ हम रखेंगे इसको और बेल्ट में प्लेट डालेंगे। तो देखिए एक निशान हम यहाँ पर लगाएंगे 12 इंच पर और यहाँ पर कट लगा लेंगे। जो भी हमारी सारी प्लेट हैं वो इसी एरिया में आनी चाहिए, तभी हमारी सलवार जो है बिल्कुल अच्छी बनेगी, फुल घेरदार। तो देखिए यहाँ पर हम प्लेट डालते जाएंगे। अभी हम इसमें एक ही पैर का ही रेडी कर रहे हैं। प्लेट डालते जाएंगे और बूट को थोड़ा सा उठाकर ही प्लेट डालिएगा ताकि प्लेट में बिल्कुल अंदर प्लेट जा सके। तो देखिए ये हमारा कट मिल गया है यहाँ पर और प्लेट हमारी डल गई है। अब हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और एक प्लेट पीछे की साइड भी डालनी है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम पीछे की साइड डाल देंगे और आगे की तरफ से 1/2 इंच बढ़ाकर ही डालेंगे ताकि वो हम सिलाई में लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी प्लेट डल गई हैं। अब हम एक सिलाई ऊपर लगाएंगे, जो हमने जो मार्जिन है सिलाई का वो बेल्ट की तरफ करते हुए। तो देखिए सिलाई लगा ली है, इसी तरीके से दूसरा भी रेडी कर लेंगे। ये बहुत ही सिंपल तरीका है सलवार बनाने का। तो देखिए दूसरा भी हमने रेडी कर लिया है। अब हम इसमें आसन मिलाएंगे। तो देखिए बिल्कुल बराबर रखेंगे। अब हम पहले पीछे का आसन जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर प्लेट से प्लेट मिल गई है और आसन भी बिल्कुल परफेक्ट मिल गया है और डबल सिलाई लगा लेंगे। आगे वाला भी आसन जॉइंट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और यहाँ पर ऐसे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए सिलाई हमने दोनों तरफ के आसन जॉइंट कर लिए हैं। अब देखिए आगे की तरफ नेफा फोल्ड करेंगे। देखिए ऊपर से हम फोल्ड कर लेंगे जो हमने मार्जिन इसमें छोड़ा था और बेल्ट हमारी 6.5 इंच तैयार आ जाएगी और नाला डालने के लिए भी ये हमारा फोल्ड हो जाएगा नेफा जो है। और दोस्तों प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।
बहुत मेहनत लगती है दोस्तों एक वीडियो बनाने में। और देखिए नेफा भी हमारा फोल्ड हो गया है और इसके बीच में से हम जो हमने सिलाई लगाई थी उसको अलग कर लेंगे। देखिए यहाँ से हमने खोल लिया है तो देखिए, और हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगा रहे हैं। फाइनल जो सिलाई होती है अच्छे से इसको बराबर करके रखेंगे और 6 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर स्केल से ऐसे मिलाएंगे। इस तरीके से आप दोस्तों इसमें लगाओगे सिलाई तो बिल्कुल भी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, एकदम बराबर सिलाई लगेगी। और ऊपर तक हम इसको आसन तक, देखिए ये बिल्कुल बराबर आ रहा है और सिलाई हमने लगा ली है। और एक्स्ट्रा कपड़ा इसको कट कर लेंगे और दूसरी साइड की भी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों सलवार कंप्लीट हो गई है हमारी। ये है हमारा सलवार का फाइनल लुक। कैसा लगा दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।